वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो क्लोनिंग है उसके बारे में और टाइप्स ऑफ क्लोनिंग के बारे में, जिसमें हमने दो प्रकार की क्लोनिंग देखी, जीन क्लोनिंग और दूसरी थी एनिमल की क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग में हमने पढ़ा था कि भाई एम्ब्रियो की क्लोनिंग हो सकती है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव टाइप की होती है, और दूसरी थेरापेटिक टाइप की होती है। रिप्रोडक्टिव टाइप की बात करें तो वहाँ पर हमने एम्ब्रियो प्रकार की क्लोनिंग देखी और दूसरी न्यूक्लियर ट्रांसफर की टेक्निक देखी थी, जिसमें हमने बोला था कि मैमल्स के अंदर जो डोली भेड़ का जन्म हुआ है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डोली भेड़ के निर्माण के बारे में बात करेंगे कि डोली भेड़ का विकास कैसे हुआ है। देखिए, डोली भेड़ के निर्माण में क्या हुआ, डोली भेड़ के निर्माण में सबसे पहले एक सफ़ेद मुंह वाली भेड़ को लिया गया, ठीक है। उस भेड़ से उनके जो सोमेटिक सेल होती है, जो कि हम बोल सकते हैं मेमरी ग्लैंड सेल जो होती है, उसको यहाँ पर सेपरेट किया गया, ठीक है, जिसमें 277 प्रकार की, यानी कि 277 टाइप्स ऑफ सोमेटिक सेल्स एक्सक्रीट की गई उसकी बॉडी में से, ठीक है, जिनमें से उनके केंद्र को निकाला गया। नेक्स्ट, दूसरे यहाँ पर दूसरे प्रकार की भेड़ ली गई, जो कि काले माउथ वाली जो भेड़ थी या ब्लैक माउथ वाली जो भेड़ थी उसको लिया गया और इस भेड़ में से उनके एग सेल को सेपरेट किया गया। फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि सबसे पहले हमें जिसका क्लोन प्राप्त करना होता है उसका यहाँ पर हमने क्या लिया भाई, सोमेटिक सेल लिया, और ये सोमेटिक सेल जो होती है वो 2N प्रकार की होती है। क्लियर है, हम यहाँ पर इसका 2N को इस सेल के अंदर ही दिखा देते हैं। तो ये 2N प्रकार की सेल है और वाइट, ठीक है, वाइट जो माउथ होता है ना उस प्रकार की ये भेड़ थी, ठीक है। इसी के कॉम्प्लीमेंटरी क्या किया गया, जो ब्लैक प्रकार की जो भेड़ है उसको लिया गया, एक तरीके से हम इसको येलो कलर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक कलर की जो सिप है, ब्लैक माउथ सिप, ठीक है, इसको लिया गया और इसकी यहाँ पर जर्म सेल ली गई। क्या ली गई, जर्म सेल। जर्म सेल जो होती है वो एन टाइप की होती है और इस जर्म सेल को हमने बोला एग। क्या बोला इसको, एग बोला, राइट। यहाँ पर क्या था, ये था सोमेटिक सेल जो कि 2N प्रकार की थी, सोमेटिक सेल। इसके बाद क्या किया कि इनके केंद्रक को रिमूव किया गया इस सेल के अंदर से। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2N प्रकार का केंद्रक आ गया और इधर जो बची हुई जो सेल थी विदाउट न्यूक्लियस सेल, इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस की गई कि इसके अंदर के जो न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, ये हो गया रिमूव, और इसके केवल जो एम्प्टी सेल होती है उस सेल को लिया गया, ठीक है, जो एम्प्टी सेल होती है उस सेल को लिया गया। फिर क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट, जो यहाँ पर 2N प्रकार का केंद्रक लिया गया था, इस केंद्रक को, ठीक है, इस सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना था, तो इसके लिए इन्होंने एक बीकर लिया और एक बीकर में ले जा करके इनका क्या कर दिया, संलयन करा दिया, यानी कि फ्यूजन करवा दिया 2N। इसके लिए इन्होंने एक विधि अपनाई जो कि इनको एक तरीके से स्टिमुलेट करने की विधि थी, यानी कि दोनों को आपस में संचालन करने की विधि थी। इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिए या करंट दिए, ताकि ये जो एग और जो न्यूक्लियस है वो आपस में जो है फ्यूज हो जाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिया गया उसके कारण ये जो खाली जो एग सेल थी इसके अंदर 2N टाइप का केंद्रक आ गया। क्या आ गया इसके अंदर, 2N टाइप का केंद्रक आ गया और ये जो सेल है एग सेल वो अब कन्वर्ट हो गई किसमें, जायगोट सेल में। क्लियर है, क्या हो गई, ये जायगोट सेल में कन्वर्ट हो गई। अब इस जायगोट सेल को, ठीक है, किसी दूसरे, यानी कि ये एक तो भेड़ कौन सी थी, ब्लैक माउथ शिप थी, एक वाइट माउथ शिप थी जिसका हमने केंद्रक लिया, इसका हमने एग सेल लिया, एक तीसरे प्रकार की ब्लैक माउथ वाली भेड़ और ले ली गई, ठीक है, वो इसलिए ले ली गई कि इस जायगोट को उसके यूटरस में इम्प्लांट करना था, अर्थात इसके जायगोट का डेवलपमेंट करवाना था, परिवर्तन करवाना था, ताकि जो बच्चा है वो पूरा डेवलप कर सके और डिलीवरी कर सके। तो यहाँ पर ये ब्लैक टाइप की, ब्लैक माउथ की क्या थी, एक तीसरी सिप थी, भेड़ थी, ठीक है, जिसे हमने कहा सैरोगेट मदर, सैरोगेट, ठीक है, मदर, बिकॉज जो मदर अपना यूटेरस किसी दूसरे के बच्चे के लिए दान देती है या उसका डेवलपमेंट करती है, वो मदर सैरोगेट मदर कहलाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने यूटेरस को क्या कर दिया, उस भेड़ के लिए डोनेट कर दिया, यानी कि इस जायगोट को हमने उसके यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, 2N प्रकार का हमने जायगोट इसमें इम्प्लांट कर दिया। इस इम्प्लांटेशन के बाद में इसके अंदर परिवर्तन हुआ, यानी कि डेवलपमेंट हुआ,
और डेवलपमेंट होने के पश्चात इस भेड़ ने, जो कि काले माउथ वाली जो भेड़ थी, इसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि भेड़ था। और ये जो भेड़ थी, ठीक है, वो सेम टू सेम कैसे रही, वाइट माउथ वाली हुई। कैसी हुई ये, वाइट माउथ वाली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये वाइट माउथ की जो भेड़ हुई, ठीक है, वो सेम टू सेम यहाँ पर जिसका केंद्र था ना, सेम उसके जैसे क्या हुई, कॉपी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हुआ क्या कि केंद्र के कारण ही जो जीव होता है उसके अंदर अनुवांशिक करेक्टर जाते हैं, बाकी एग सेल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने उसका न्यूक्लियस निकाल रखा है तो। बाकी कोई भी फीमेल अपना यूटेरस किसी भी एनिमल के लिए डेवलपमेंट के लिए देता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है संतति के ऊपर। तो यहाँ पर जो व्हाइट माउथ की जो भेड़ आई थी, ठीक है, वो ही भेड़ डोली भेड़ कहलाई। क्या कहलाई है, डोली भेड़ कहलाई। डोली नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के लोकल जो एरिया में जो गायिका होती है उसका नाम डोली था, डोली के पैटर्न पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। और इस डोली भेड़ का जन्म जो है वो इम्प्लांटेशन के पश्चात, ये जो इम्प्लांटेशन है इसके पश्चात 148 दिन बाद 5 जुलाई 1996 को इसका जन्म हुआ था। 5 जुलाई 1996 को डोली भेड़ का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन इसके जन्म को प्रकाशित नहीं किया गया, इसके जन्म को प्रकाशित किया गया 22 फरवरी 1997 को रोजलिन नामक जो इंस्टीट्यूट थी उसने इसके जन्म को, रोजलिन नामक जो इंस्टीट्यूट थी ना, उसने इसके जन्म को प्रकाशित किया। उसके बाद में ये जो खबर है डोली भेड़ के उत्पन्न होने की वो सभी जगह पर फैल गई थी, ठीक है। इसके जन्म के समय, अगर डोली भेड़ के जन्म के समय की बात करी जाए तो इसका जो वेट था वो 6.6 किलोग्राम था। कितना था, 6.6 किलोग्राम था। और ये सेम टू सेम अपने वयस्क के समान थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डोली भेड़ के, तो डोली भेड़ जो है उन्होंने 1998 को, ठीक है, एक मेमने को जन्म दिया जिसका नाम था बोनी। इसका नाम क्या था भाई, बोनी नाम था। और ये 13 अप्रैल 1998 को उन्होंने जन्म दिया था, ठीक है, 13 अप्रैल 1998 को उन्होंने जन्म दिया था। इसके बाद में बोनी, ठीक है, जिस मेल सिप से उत्पन्न हुई थी उसका नाम डेविड था। क्या नाम था इसका, डेविड। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो डोली भेड़ थी उसके हस्बैंड नाम क्या था, डेविड था। यानी कि डोली और प्लस में डेविड, दोनों के गैमेट से जो संतान उत्पन्न हुई वो कौन थी, बोनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में इसी डेविड से डोली ने 3 संतति को और जन्म दिया, जिसमें से दो तो क्या थे, इसमें फीमेल थी और इसमें एक क्या था, मेल था, ठीक है। दो तो फीमेल थी और एक क्या था, मेल था। इसके बाद में 14 फरवरी 2003 को, ठीक है, डोली क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। कब, 2003 को, 14 फरवरी की बात है, डोली की हो गई मृत्यु होगी। और मृत्यु का जो कारण था वो बताया गया कि भाई फेफड़ों में, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण डोली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। जिसमें काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक रीज़न और बताया कि डोली की मृत्यु जो है वो कम समय में किस प्रकार से हो गई। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस डोली भेड़ का यहाँ पर केंद्रक लिया गया था, ठीक है, ये ऑलरेडी 6 साल पुराने कपल का लिया गया था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, इसके अंदर जो डोली भेड़ जन्मी थी ना उसके अंदर जो कैरेक्टर आए थे वो 6 साल पुराने कैरेक्टर थे। यानी कि आप बोल सकते हो कि जन्म हुआ था ना तब से वो लग रही थी कि भाई कैसी है वो, व्यस्क है या ओल्ड टाइप की है। सो उसकी एज जो है वो कम रह गई थी। इस कारण भी बोलते हैं कि कुछ लोग कि इसकी मृत्यु इस प्रकार से भी हुई है, ठीक है। डोली के जन्म के पश्चात काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने कमेंट किए थे कि भाई हमने भी जो मैमल्स होते हैं उनके जो क्लोन है वो प्राप्त कर रखे हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, अमेरिका ने मंकी के ऊपर क्लोन किए थे और मंकी के क्लोन के यहाँ पर उन्होंने बताया था कि भाई हमने क्लोन किया है, जिसमें जो मंकी क्लोन थे उनको नाम दिया गया दीतो और नैती। ये दो यहाँ पर मंकी क्या कह गए थे, क्लोन किए गए थे। इसके बाद में चाइना बोला कि हमने भी क्या कर रखा है भाई, क्लोन बना रखा है माइस का, यानी कि चूहों का,
तो चाइना भी पीछे नहीं था, माइस को उन्होंने क्लोन कर रखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डोली भेड़ का निर्माण हुआ है वो न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक के माध्यम से हुआ है, और ये क्लोनिंग का एक प्रकार है जिसकी हेल्प से डोली भेड़ का जन्म हुआ है। देखिए वीडियो के जो PDF हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हो।